अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं अब्दुल सत्तार। दिन भर के अहम तरीन खबरें जानने के लिए देखते हैं हेडलाइन। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मारूफ मेजबान अदाकारा और हिदायतकार निदा यासिर और स्पोर्ट्स एंकर सवेरा पाशा की वालिदा फहमीदा नसरी इंतकाल कर गई। पाकिस्तान बार कौंसिल ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका को दो टेस्ट मैचों की सीरीज में शिकस्त देकर पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट रैंकिंग बेहतर कर ली। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए दारुल हुकूमत अबूधाबी में नई पाबंदियां आयद कर दी। भारतीय रियासत उत्तराखंड में बर्फानी तोदा गिरने से 14 अफराद हलाक और मुतद लापता हो गए। चैम्बर्स गिराए जाने के खिलाफ एहतजाज करने वाले वकला ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी तोड़फोड़ कर दी और चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर शदीद नारेबाजी की। कोयटा खरासानी में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जांबाक हो गए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि गरीब तबकात पर बिलवासा टैक्सेस का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए।